महिंद्रा की ओर से हमें XUV300 बहुत ही जल्दी इंडिया के अंदर फेसलिफ्ट के साथ में देखने को मिलने वाली है, लेकिन आप सभी लोगों को पता है उसके बारे में डिटेल में चीज़ें जो है जितना जल्दी पॉसिबल है उतना जल्दी हम आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा एक और चीज़ एज अ कस्टमर आपके लिए भी जानना ज़रूरी होगी कि ऐसे तो कौन से टॉपिक्स या फिर पर्टिकुलर पॉइंट्स है जो कि मतलब एज अ कस्टमर आप सोच के देख सकते हो, अपनी कंडीशंस के साथ में उसको कंपेयर करके देख सकते हो कि क्या मेरे लिए XUV300 फेसलिफ्ट बेहतर होगी या फिर अभी वाली 300 या फिर कोई और प्रोडक्ट। तो बेसिकली आपको क्यों वेट करना चाहिए XUV300 फेसलिफ्ट का, मोटा मोटी तौर पे उसके बारे में बात करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। मैं आपको पर्टिकुलर पॉइंट वाइज नहीं समझाऊंगा, वो थोड़ा सा ज़्यादा इरिटेटिंग लगेगा आपको भी, क्योंकि थियोरिटिकली आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, तो इस वजह से रैंडमली हम लोग बात करेंगे। देसी लैंग्वेज भी आप बोल सकते हो उसको, लेकिन स्टिल आपको समझ में आए उसी लैंग्वेज में अभी बात होगी, क्योंकि पहले हमने बहुत ट्राई कर लिए थियोरिटिकली जाने के लिए भी और उसके अलावा पॉइंट वाइज भी, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। तो ये चीज़ हमने अभी चालू करी और लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपके सारे क्वेश्चन सारे डाउट्स कमेंट डाउन ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि वीक में दो दो क्वेश्चन आंसर जो मतलब क्वेश्चन आंसरिंग के सेशन होते हैं उसके अंदर उसका सॉल्यूशन या फिर आंसर आपको मिल जाएगा। खैर, सबसे पहले 300 फेसलिफ्ट के रीजंस की बात करें, वेट आपको क्यों करना है। सबसे पहले तो डिज़ाइन, गाड़ी की डिज़ाइन आउटडेटेड हो चुकी है, उसमें कोई क्वेश्चन पैदा ही नहीं होता। और रिसेंटली जो मतलब आपको देखने को मिल रही है हमें मार्केट के अंदर, उसकी डिज़ाइन आउटडेटेड होने की वजह से भी आप बोल सकते हो कि ओवरऑल जो है डिज़ाइन को मतलब चेंज होना अभी ज़रूरी भी है और वो चीज़ होने भी वाली है। तो बेसिकली मतलब फेसलिफ्टेड जो वेरिएंट आएगा उसके साथ में आपको अपडेटेड डिज़ाइन देखने को मिलने वाली है। ओवरऑल फ्रंट एंड रियर दोनों ही बम्पर आपको रीडिज़ाइन हुए देखने को मिल जाएंगे। रियर के अंदर टेल लैम्प्स होंगे वो आपको कनेक्टेड देखने को मिल सकता है, हेड लैम्प्स के अंदर ट्विक्स और DRL का प्लेसमेंट आपको डिफरेंट देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल इतनी चीज़ें तो है, लेकिन उसके साथ साथ फ़ीचर्स की भी अगर बात कर ले तो फ़ीचर्स के साथ में आपको कई सारे ऐसे मतलब लेवल वन का एडास तो आप सोच ही सकते हो, लेकिन स्टिल कई सारे ऐसे फ़ीचर्स आपको गाड़ी के साथ में देखने को मिल जाएंगे जो कि ऑलमोस्ट आपने मतलब शायद अभी तो किसी ने एक्सपेक्ट भी ना किए होंगे। और फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स भी आपको कई सारे गाड़ी के साथ में देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वजह से एज कम्पेयर टू दिस सेगमेंट या फिर बात कर लो ओवरऑल कोई भी मतलब गाड़ी के साथ में कंपैरिजन देख लो, फीचर्स आपको ओवरऑल बेहतर देखने को मिलेंगे प्रोडक्ट के साथ में। और उसके अलावा इंटीरियर के अंदर भी कई सारे फीचर्स आपको ऐड ऑन हुए देखने को मिल जाएंगे। अभी इंटीरियर के फीचर्स के तौर पे हमारे पास तो थोड़ी बहुत तो मतलब इन्फॉर्मेशन है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमें कमेंट डाउन करके बताओ कि आपके हिसाब से आपको ऐसे कितने फीचर्स लगते हैं जो कि आपके ओर से आपको लगता है कि एक्सपेक्टेशन आपकी है वो मीट कर पाएगी महिंद्रा या फिर नहीं कर पाएगी। तो इन शॉर्ट आपको क्या लगता है कितने फीचर्स आएंगे वो ज़रूर लिस्ट डाउन कर लेना कमेंट डाउन में, मतलब कमेंट सेक्शन में जो बेस्ट कमेंट होगी वो ज़रूर पिन हो जाएगी। लेकिन उसके अलावा भी बात करें तो आपको वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के तौर पे देखा जाए तो आपको ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी वैल्यू के मतलब उसके ऑप्शंस ज़्यादा देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल गाड़ी आपको वैल्यू फॉर मनी प्राइस पैकेज के साथ में भी देखने को मिलने वाली है। तो इतने थे ओवरऑल जो है रीजंस, आप मोटा मोटी तौर पर प्रैक्टिकल रीजंस इसको बोल सकते हो। बाकी हमारी ओर से हमें आपको इतना इन्फॉर्म करना था, ये सारी चीज़ें आपके लिए जानना ज़रूरी थी तो हमने आपको बता दी। बाकी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको यूज़फुल लगी हो तो ज़रूर अपने ऑटो एंथुजियास्ट फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, लाइक कर देना। ऐसे ही वीडियोज़ एवरीडे दो दो आते हैं तो वो ज़रूर देखा करो। कैटेगरी वाइज वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे तो वो भी चेकआउट करो। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों ड्राइव सेफ, थैंक यू।